चैनल कहते हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फिर आज का जो व्लॉग है वो होने वाला है हमारा शॉपिंग व्लॉग, और आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। आज बड़े भैया हैं, बड़े पापा के बेटे, उनकी शादी है, तो उसीलिए आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। और आज उनके लिए सामान खरीदना है, जैसे शेरवानी खरीदनी है, और मेहंदी में जो वो पहनेंगे वो ड्रेस खरीदनी है उनके लिए, और कुछ साड़ीज खरीदनी है, भाभी के लिए साड़ी खरीदनी है, तो पूरा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और पिछौड़ा भी उनके लिए खरीदना है, मेकअप का सामान खरीदना, बहुत सारा सामान है, वो सारा आज खरीदना है हमें। तो आज मैं आपके साथ पूरा शेयर करूंगी हमने क्या सामान खरीदा है, और तो मैं पूरा आपको दिखाऊंगी पूरे ब्लॉग में कहाँ पे से हमने क्या सामान खरीदा है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, और शॉपिंग करने हम जा रहे हैं खटीमा, क्योंकि हमारी सारी शॉपिंग खटीमा से ही होती है, और आपको मैं दिखाती हूँ हमारी खटीमा मार्केट। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। दीदी और बड़ी भाभी, जो मेरे बड़े भाई पुलिस में, हम तीनों अभी पहुंच गए हैं यहाँ पे साड़ी लेने के लिए, और हमें ये वाली साड़ी बहुत पसंद आ रही है बड़ी मम्मी के लिए। बट सेम कलर ना बड़ी मम्मी के पास है, जब बड़े भैया लोगों की शादी हुई थी उस टाइम पे मम्मी ने सेम कलर लिया है, और इसमें हमें कोई और कलर मिल नहीं रहा, तो ये वाली साड़ी हम इसीलिए नहीं ले रहे, वरना ये साड़ी बहुत अच्छी थी। तो जो हमारी बड़े भाभी है ना वो पुलिस में, और जो ये शॉप है ये कोतवाली के सामने ही है, तो जो शॉप ओनर थे ना वो पहचान लेते भाभी को। तो अभी भाभी को लेनी है हल्दी के लिए साड़ी, तो इसीलिए भाभी येलो कलर की साड़ी देख रहे हैं। और यहाँ पे से अभी अब भाभी को ना थोड़ी कन्फ्यूजन हो रहा था साड़ी लेने में, तो इसीलिए हम अभी देख ही रहे हैं, और आपको दिखाती हूँ मैं अभी कौन सी साड़ी ली है भाभी ने। और ये वाली साड़ी थोड़ा पसंद आई थी, बट थोड़ा हैवी हो रही थी ना, तो उनको थोड़ा हल्की चाहिए। और अभी हम देख रहे हैं पिछौड़ी, हमारी सबसे जो सुंदर लगती है दुल्हन में वो होती है हमारी रंगीली पिछौड़ी, तो यही पिछौड़ा हम देख रहे हैं अभी। और भाभी को ना जो हमारी मतलब जो होने वाली भाभी, उनको चाहिए था सौभाग्यवती भवा वाला, तो ये वाला हमें पसंद आ रहा है, और तो हम यही वाला लेंगे। बाकी में ना काफ़ी चौड़ा बॉर्डर था, जो जो सबसे आगे बैठी वो मेरी दीदी हैं, जो पीछे हैं वो मेरी भाभी हैं जो पुलिस वाले हैं, और तो ये वाली पिछौड़ी हमें काफ़ी पसंद आ रही है, तो हम ये वाली ही लेने वाले हैं। और आजकल ना जॉर्जेट में चलिए, तो ये जॉर्जेट में ही है, और ये भी थी उसमें भी लिखा था, बट ये बॉर्डर ना बहुत चौड़ा हो रहा था, हमने थोड़ा पतले बॉर्डर में ले रखी है पिछौड़ी, जो नीचे रखी है वो वाली हमें पसंद आ गई है एकदम, तो हमने वो वाली सिलेक्ट कर ली। फिर भी हम देख रहे थे थोड़ा और डिज़ाइन मिल जाए तो, बट वो वाला एकदम परफेक्ट लगा हमें। तो हमने ना वहाँ पे जितने डिजाइन थे वो सारे डिजाइन देखे हैं, और उसके बाद हमने वो वाला सिलेक्ट किया है डिज़ाइन जो नीचे दिख रहा है ना, जिसमें लिखा हुआ है, वो वाला ही सिलेक्टेड है। बाकी बस हम देख रहे थे क्या पता उससे सुंदर कोई लगे हमें, बट ये वाले थोड़े ज़्यादा हैवी हो जा रहे थे, और उसके बाद हम निकल गए हैं अब। तहसील रोड है ये, यहाँ पे एक शॉप है राधिका साड़ीज करके, वहाँ पे हमें जाना है, और वहाँ पे से हमें लेना है गोल्डन कलर का दुपट्टा, जो लहंगे में आजकल दो दुपट्टे चले ना, तो उसमें से एक दुपट्टा गोल्डन कलर का होता है। तो हमने ना बहुत सारे गोल्डन दुपट्टे देखे, और उसके बाद हमें एक दुपट्टा पसंद आया, वो हमने अभी ले लिया है, और वो वहाँ पर पैक होने गया है। तो तब तक हम देख लेते हैं यहाँ पर लांचे, और लांचे ना अभी भाभी देख रहे हैं पहले, तो पहले भाभी लेंगे उसके बाद फिर हम लोग लेंगे। और हम मैं दीदी और भाभी तीनों लांचे ले रहे हैं, और मेरी जो दूसरी भाभी है वो ITUP में है, तो भैया भी ITUP में है, तो वो भाभी भी लांचा लेने वाले हैं, तो हम सब लांचा ही लेने वाले हैं आज। तो अब ये लांचा देख रहे हैं, ये लांचा काफ़ी सुंदर था, बट हमें ये बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, और इसका वर्क मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो हमने ये वाला नहीं लिया है। हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट शॉप में किसी में जाएं और उसमें देखें लांचा, उससे पहले हमें लेना है मेकअप का सामान, तो इसीलिए हम आ गए हैं मेकअप के सामान की शॉप में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो उन्होंने हमें लिस्ट दे दी जो जो सामान हमने लेना है, उसमें हमने टिक लगा दिया है। हमारी ना बात भाभी से हो गई है, तो भाभी ने बोला था जो मेकअप किट है ब्राइडल वाला वो मैंने ले लिया है, तो आप थोड़ा जो सिंपल सामान रहता है डेली यूज के लिए उसका आप ले लो, तो वही सामान हम ले रहे हैं। और यहाँ पे हम ले रहे हैं ये गजरा, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, तो मैंने ये वाला रखा है यहाँ पे। तो मेकअप का सामान लेने के बाद हम आ गए हैं यहाँ पे बैंगल शॉप में, यहाँ पे से हमने लेना है ब्राइडल चूड़ा,
और जो भाभी का जो लहंगा है ना वो मरून कलर का है, तो चूड़ा भी हमने मैरून ही लेना है। और ये है पूरी शॉप, यहाँ पे बहुत सुंदर चूड़ियाँ मिलती हैं और जो कंगन है वो भी बहुत सुंदर मिलते हैं यहाँ पे। तो ये अभी हम चूड़ा देख रहे हैं और हमें ये वाला चूड़ा अच्छा लग रहा है तो हम ये वाला ही रख रहे हैं चूड़ा। तो ये वाला फाइनल हो गया है अब। और इसके बाद अब हम आ गए हैं यहाँ पे फुटवेयर लेने के लिए, तो ब्राइडल फुटवेयर लेना है तो इसलिए थोड़ा सा ब्राइडल टाइप का ही हम ले रहे हैं, बट हिल थोड़ा कम चाहिए क्योंकि भाभी हमारे लंबे हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पे कश्मीरी कलेक्शन में, तो हमारी जितनी भी शॉपिंग है ना हम कश्मीर से ही करते हैं, यहीं पे से हमने शेरवानी ख़रीदनी है दीदी के लिए, मेरे लिए और भाभी के लिए, लांचा भी यहीं से लेना है और कुछ साड़ीज़ हैं वो भी हमें यहीं से ही लेनी है। तो अधिकतर जो शॉपिंग है ना हमारी वो यहीं पे ही करते हैं हम। तो सबसे पहले हम लेने जाते हैं लांचा, तो सबसे पहले भाभी सिलेक्ट कर रहे हैं हमारे। तो भाभी जो भाभी है ना उन्होंने ही दीदी को भी लांचा उन्हीं ने ही दिलाया, मुझे भी लांचा उन्होंने दिलाया है। और अभी जो भैया हैं हमारे वो भी आ गए हैं ड्यूटी से, जिनकी शादी उनकी शेरवानी भी लेनी है। तो ये हैं भाभी, भाभी को ये वाला लांचा पसंद आ रहा है और भाभी को इसका वर्क और इसका कलर काफ़ी पसंद आ रहा है ना, तो भाभी ने ये वाला फाइनल कर लिया। अभी वो पहन के देख रहे हैं कि कैसा लग रहा है, तो अच्छा भी लग रहा है ये वाला उन पर, तो ये वाला ही भाभी के लिए सिलेक्ट हो गया है। और भैया भी अभी ड्यूटी से आ गए हैं, उनके लिए शेरवानी लेनी है ना, तो लांचा लेने के बाद फिर हम लेंगे शेरवानी। तो ये भाभी का लांचा देखिए आप, मेरा लांचा रिसेप्शन वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा आपको। तो अब हम लेने जाते हैं शेरवानी। तो यहाँ पे ना शेरवानी का कलेक्शन बहुत अच्छा है, तो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है ये। और यहाँ पे अभी भैया चेक कर रहे हैं पहन के, तो जो उन पे अच्छी लगी वही शेरवानी हम लेंगे। और उसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा शादी वाला व्लॉग, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कौन सी शेरवानी ली है। और यहाँ पे ना पगड़ी और जो माला सहरा वो सारी चीज़ें रहती है ना वो सब यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो अभी हम लेंगे यहाँ पे से। और अब हमें लेना है आगे जो संगीत में जो भैया ड्रेस पहनेंगे ना वो लेना है, तो हम अभी वही देखने जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस टाइप की ड्रेस लेने की हम सोच रहे हैं संगीत के लिए, तो जो ड्रेस है वो डिसाइड कर ली है हम लोगों ने, तो भैया भी उसको ट्राई कर रहे हैं। और तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे कौन कौन से कलर है। जो हमने लिया है वो अलग कलर का है, तो उसके लिए आपको संगीत वाला व्लॉग देखना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं बहुत थक गई हूँ, तो भाभी बड़े पापा के लिए कोट पैंट ले रहे थे, तो मैंने बोला आप लोग जाओ ना सिलेक्ट करके आओ, फिर मुझे बता देना आप लोग। तो वो लेने गए हैं अभी। और अब हम आ गए हैं यहाँ पे साड़ी लेने, तो भाभी को ना साड़ी लेनी थी एक हल्दी में पहनने के लिए, येलो कलर की साड़ी लेनी थी, तो भाभी यहीं पे से ले रहे हैं साड़ी। तो जो भाभी की येलो साड़ी है वो तो सिलेक्ट हो गई है, हमने साइड करवा दी है वो वाली। और जो हमारे रिलेटिव रहते हैं उनके लिए साड़ी ली जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी साड़ियाँ देखने के बाद हमें कुछ साड़ियाँ पसंद आई हैं और वो साड़ी हमने सिलेक्ट कर ली हैं और उनको अभी हमने रख लिया है। करा रहे हैं बिलिंग हमारी, और बिलिंग कराने के बाद ये सारा चेक होगा, उसके बाद ये सामान हम लेके चलेंगे। तो हमारे जो लांचे हैं ना वो अभी बनेंगे, तो वो अभी यहीं है, तो नेक्स्ट डे आके हम उसको परचेज कर लेंगे। ये सिर्फ दुपट्टा है लांचे का और साड़ियाँ, और बाकी जो सामान है वो सारा हमें आज मिल गया है, बस जो हमारे लांचे हैं वो ही रहे हैं यहाँ पे, तो वो हम कल आके इसको परचेज कर लेंगे। तो और अब काफ़ी टाइम हो गया, तो अब हमें घर के लिए भी निकलना है, तो हम निकलते हैं घर के लिए अब।
अभी मैं आ गई हूँ, घर पहुँच गए हैं हम लोग। तो दीदी लोग तो मायके चले गए मेरे, और मैं अभी आ गई हूँ अपने ससुराल। और अवनी ना सुबह से वहीं थी, मतलब दिन में गए थे हम लोग, तो दिन में से अवनी वहीं थी। उसके बाद शाम को ये यहाँ आ गई, तो यहाँ पे मेरे जो भतीजे उनके साथ खेल लिए, इनके साथ अच्छे से खेल लिए, वो परेशान नहीं किया उसने। तो हमने जितना भी सामान खरीदा वो सारा अभी मायके में है मेरे, वो लेके चले गए हैं दीदी लोग। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।